बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। तो कहावा तो हमने खुद बना लिया, नाश्ता हम खुद ही बनाएंगे, चाय पीने का दिल नहीं था कर रहा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि रिलेटेड टू हो सकती है होगी कि कौन कौन से न्यू ट्रांसलेटर ऐड हुए हैं इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, आप किन किन से मज़ीद जो है आप ट्रांसलेशन करवा सकते हो, इसके बारे में इंशाल्लाह बात होगी। और उसी के साथ साथ मुझे क्वेश्चन जो आ रहे थे रिलेटेड टू इटली से ही रिलेटेड, जो डाइवोर्स से रिलेटेड थे, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो बस जी हम चाय और नाश्ता कर लें, सॉरी कहवा और नाश्ता कर लें, इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, करने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया के जितने लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी वहां पर जाए विजिट करें, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा मिलेगी। और इसी के साथ साथ मेरा जो एक मेन चैनल है जहां पर हम सेल एंड परचेजिंग कर रहे हैं क्लोथिंग की, DQ ब्रांड्स, वहां पर आप लाजमी जाए, वहां पर आपको रिजनेबल प्राइस पे काफी अच्छी चीजें वहां से भी मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन जो सेंटर्स हैं उनमें कुछ चेंजिंग आई है। यहाँ पर जो है नए जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी एंट्रीज हुई हैं। तो पहले तो फ्लेयर होता था, वांती होता था, इसके साथ साथ जो इन इटालियानो हुआ करता था, लेकिन अब इसके अंदर मजीद चेंजिंग है। ये कुछ मजीद ट्रांसलेटर ऐड हुए हैं, लाइक जैसे कि अलमसूम है, ये लास्ट ये इसी जो 2021 में इंटर इसके अंदर हुई है, और शकील डिप्लोमैट्स हैं, ये भी पुराने हैं। इसरा लिंग्विस्टन ट्रांसलेटर हैं वो इसके अंदर इंसर्ट हुए हैं। ब्लू स्काई ट्रांसलेशन वो इसके अंदर इंटर हुए हैं। तो इटली फैमिली वीजा से रिलेटेड अगर ट्रांसलेशन आपने करवानी है, लाहौर, गुजरात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर उनके मुख्तलिफ अदारे आप करवा सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो हम इनके साथ एफिलेटेड होकर आपकी जो है ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मुझे कमेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि लीगलाइजेशन न्योलासा से पहले करवा लेते हैं या नहीं, और उसके बाद आफ्टर लीगलाइजेशन जब आपका डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाते हैं तो फिर क्या सबमिशन करनी पड़ती। उसी के साथ मीन भाई मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, आपने भाई साहब वीडियोस तो बनाई है, इसके अंदर आपने डाइवोर्स से रिलेटेड जो है टॉपिक को टच नहीं किया, तो आज की वीडियो में उसको मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। देखिये अगर मियाँ या बीवी दोनों में से एक भी पर्सन डाइवोर्स्ड है तो उस सिलसिले में क्या करना होगा, उस सिलसिले में ये करना होगा आपको कि पहले हुआ करता था कि मौसा सर्टिफिकेट या भी प्रेजेंट करना पड़ता था, या उससे पहले ये हुआ करता था कि पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी वो प्रेजेंट करनी पड़ती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी आसानी हो चुकी है, प्रोसीडिंग भी नहीं प्रेजेंट देनी पड़ती, इफेक्टिव सर्टिफिकेट भी नहीं देना पड़ता, बट आपको जो है नादरा की तरफ से, जो आपकी जूनियर काउंसिल है उसकी तरफ से जो मैरिज डिवोर्स सर्टिफिकेट एक मिलता है, डिवोर्स सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है, वो आपको जस्ट प्रेजेंट करना होता है। उसकी मेन शर्त ये है कि जो जब जब डिसीजन हुए हैं वो डेट सारी एक्यूरेट मेंशन होनी चाहिए, नीचे सेक्रेटरी जूनियर काउंसिल की स्टैम्प, फोन नंबर, CNAC नंबर, सिग्नेचर और डेट, ये पांच चीजें लाजमी मेंशन होनी चाहिए। सिर्फ आपने यही आपने प्रेजेंट करना है तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि अब आपको पहले जो प्रेजेंट करना पड़ते थे, पहले आपको जो प्रोसीडिंग और इफेक्टिव मोशन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 15 वीडियोस बनाई हैं इटली से रिलेटेड, आई होप इनमें मैंने ब्रीफली जितने भी बेसिक टॉपिक थे उन सभी को मैंने टच किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियोस रही होंगी, और उनकी एक ही प्लेलिस्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक साल के शुरू में ही ये चीजें जो मैं कह सकता हूँ रिसेंटली जो चीजें वो वहां तक पहुंच सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।